चर्च के प्रांगण में, वहां पर ये सभा आयोजन की जा रही है, जहाँ पे जनसुराज एक पार्टी के रूप में अब घोषित हो जाएगी। और उसकी तैयारी में हम सभी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। एक उत्साह सा मन में है कि कब ये पार्टी के तौर पे घोषित हो और कब हम लोग और पूरी ताकत इसमें लगा दें, जिससे कि एक बिहार की जो व्यवस्था है वो सुधर जाए और अग्रणी राज्यों में ये गिना जाए। बक्सर से किस तरह की तैयारी कर बक्सर से बहुत लोग इसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन उतने सारे लोगों को ले जाना भी संभव भी नहीं है, लेकिन सभी लोग साथ दे रहे हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि जनसुराज सबके दिलो दिमाग पे छा चुका है। तो रही है? कितना युवाओं में उत्साह है? युवाओं में जो एक जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, जो पलायन का है, उससे काफी युवाएं प्रभावित हुए हैं कि बात तो बिल्कुल सही है कि क्यों हम दूसरे राज्य में जाएं जहाँ पे हमें हीन भावना से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत जोश है कि एक नई तरह का एक नया विकल्प दिख रहा है। तो वो लोग कह रहे हैं कि क्यों ना इस पार्टी को भी एक बार मौका दिया जाए। तो युवाओं में काफी जोश है इसको लेकर। जनसुराज आपने ज्वाइन किया, महिलाओं की किस तरह की इसमें भूमिका है? सबसे पहले आप निशानी को उसमें धन्यवाद देती हूँ। इसमें महिलाओं को बहुत अच्छी भूमिका है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पंचायत में जाते हैं, ये सब चीज जो प्रशांत किशोर जी 5 मुद्दे रखे हैं, पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, कृषि को लेकर या फिर भीड़ को लेकर, तो ये सब महिलाओं का एक बेहतर रास्ता मिल रहा है। जैसे कि अगर बच्चे पलायन कर रहे हैं या फिर उनके हस्बैंड पलायन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुख महिलाओं पे ही होती है। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाएं प्रभावित हैं। जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको भी एक आश्रय टाइप का मिला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि उन्हें 400 रुपया मिल रहा है, 400 रुपया में तो वो कुछ कर सकती नहीं है। तो ये प्रशांत जी का है कि जैसे ही इनकी व्यवस्था बनती है, हमारे बिहार में इनकी व्यवस्था कायम होती है, तो वो जो 400 रुपये वाले जो है मंथली, उनको 2000 रुपया दिया तैयारी किस तरह की चल जाएगा। तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रही है। हम लोग पंचायत जा रहे हैं, तो जाने के लिए तो बहुत सारी महिलाएं एक्टिव है कि मैं जाऊंगी, बट बात ऐसा है कि ले जाना बड़ी बात, उन लोगों को ले आना ले जाना ये सब चीज है। तो हम लोग बहुत मतलब हर पंचायत से कम 200 आदमी, कम से कम 200 आदमी लेके है? अच्छा, अपना प्रथम अधिवेशन है, इसके लिए हम लोग जितने जनसुराजी हैं बिहार भर का, बक्सर की बात नहीं है, पूरे बिहार से लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कि स्थापना अधिवेशन में लाखों लाख संख्या में जुटकर अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाया जाए। इसी संदर्भ में हम बक्सर जिला के से भी दायित्व हम लोगों को मिला है कि बक्सर से भी 137 पंचायतें हैं और जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उससे सभी लोग जगह से लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक